बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू एक ऐसी नामुराद और नापाक चीज़ है कि जिससे घर के घर और आबादियों की आबादियां मुल्क के मुल्क मुतासर हैं। हमारा इल्मिया यह है कि कोई बच्चा बाहर चला जाए पढ़ने, तो ये बच्चा बाहर क्यों गया है? ये वहाँ से डॉलर कमा रहा है, पाउंड्स कमा रहा है, यूरो कमा रहा है, लिहाजा मेरा बच्चा जाए ना जाए ये ज़रूर वापस आए। जादू का हसद की वजह से जादू का एक अलामती निशान है जो हर घर में मसला है। और इसी तरह किसी की कोई बात बुरी लगी, किसी औरत से कोई झगड़ा हुआ, अब उससे नहीं लड़ना, उसको नहीं मारना, उससे नहीं दंगा फसाद करना, इसमें और इसके मियाँ में नचाकी पैदा कराओ, लड़ाई करवाओ, इसका घर ख़राब करवाओ, ये घर उजाड़ दो, चाहे ये बेचारी औरत चार या पाँच या छः बच्चों की माँ है, इससे कोई गर्ज़ नहीं, बस अपने जज्बात को तस्कीन मिलनी चाहिए। एक और मिसाल कि अगर किसी से झगड़ा हुआ, किसी से कुछ लागतबाजी है, किसी से कुन्नत है, किसी से दिल में कोई बुग़ज़ है, उस बुग़ज़ को निकालने के लिए न थाना है, न कचहरी है, न डांग है, न सोटा है, हमने क्या किया? हम आगे बढ़े, हमने जाके जादूगर को पैसे दिए कि इसकी तीन बेटियां हैं, दो की शादी हो चुकी है, उन दो के घर ख़राब करो, उनकी तलाक हो, और ये जो घर बैठी है अभी इसकी शादी होनी है, इसकी शादी किसी सूरत ना हो सके, जितने पैसे मांगोगे मैं दूँगी। ये हालात हमारे अमूमी तौर से चल रहे हैं। और अब जादूगर क्या करता है? जादूगर कारोबार की खराबियाँ हों, नाचाकियाँ हों, जादू की ज़ोर से रिश्तों की बंदिश हो और आपस की मी मेख हो, नोक झोंक हो, या शादी के बाद औलाद के मसाइल हों, या शादी से पहले एक लड़की किसी जगह मंसूब थी, मंगनी थी, वहाँ से टूट गई, किसी दूसरी जगह हो गई, तो वो कहते हैं अगर हमारे साथ नहीं, हमारे साथ शादी नहीं हुई तो अब ये कहीं और भी नहीं बसेगी। ये लोग भी अमूमन जादू करवाते हैं। अब पहली बात उसकी शादी नहीं होती, शादी हो जाए तो अगले घर नहीं बसती। ये रोज़मर्रा के मसाइल हैं, सब लोग जानते हैं, और हमें भी हज़ार फ़ोन आते हैं जिनसे हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि लोग यहाँ यहाँ इन इन मुश्किल का शिकार हैं। तो ऐसे हालात, ऐसे मसाइल, कि बच्चा बाहर गया है, उसके रेजिडेंस का मामला हल नहीं हो रहे, उसके वीज़े के मामला सेटल नहीं हो रहे, और वो अपने घर में, अपने मुल्क में, अपने शहर जहाँ पहुँचा है वहाँ पर रोज़गार, कारोबार और दीगर मामलात में पेचीदगियों का शिकार है। अगर तालीम हासिल करने गया है तो उस बेचारे की तालीम ही पूरी नहीं होके दे रही, बार बार फेल हो रहा है। सारी दुनिया जो जहान के निकम्मे थे वो पास होके आ गए, और पास होके किसी रोज़ी रोटी पे खड़े हो गए, पैरों पर खड़े हो गए, ये बेचारा आज तक अपने घर से अपने माँ बाप और बूढ़े माँ बाप की हड्डियों से पैसे निकलवा रहा है, क्या करे? होता इससे कुछ है ही नहीं। अब ये सारे मसाइल, ये सारी पेचीदगियाँ, ये सारे दुख और गम ऐसे हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि डेरा और बसेरा हमारे घर में मौजूद है। शयातीन, जिन्नात, जादूगर ने हमारे घर में मुकर्रर और मुतय्यन कर दिए हैं कि ये सुबह कारोबार के लिए निकले, इसका कारोबार नहीं चलना चाहिए, ये सुबह नौकरी के लिए निकले, इंटरव्यू के लिए जाए, इसका इंटरव्यू कामयाब नहीं होना चाहिए, इसे ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलना चाहिए, इस बहन बेटी का रिश्ता पहली बात आना नहीं चाहिए, आए इन्हें पसंद ना आए, इनको पसंद आ जाए अगले भी पसंद ना करें, अगर अगले पसंद कर ही जाएं तो जैसे ही वो बाहर निकले तो वो डेरा और बसेरा और वो गुंडे और बदमाश जो जादू के ज़रिए से यहाँ पर बिठाए गए हैं, जिससे माँ बाप की सेहत ख़राब है, डॉक्टर्स बदल रहे हैं, अस्पताल बदल रहे हैं, क्लिनिक बदल रहे हैं, लेबॉर्ट्रियाँ बदल के देख ली हैं, शिफा नहीं मिल रही, ये सारे गुंडे उनमें से किसी एक का दिमाग बदलते हैं कि ये लड़की से शादी नहीं करनी, मुझे पसंद नहीं है, फलां को पसंद नहीं है, ये तुमसे बड़ी लगती है, ये लड़के की माँ लगती है, ये सारी बातों में से कोई एक बात बताई, वो बना बनाया खेल बिगड़ गया। मंगनी रही सालों, शादी का मौका आ गया, कार्ड छप के, हॉल बुक हो गया, मुझे कल फ़ोन आया, उसने कहा सब कुछ हो गया, अब हमारी इज्जत पे बनी है, वो कहते हैं हमने शादी नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? कोई भी जस्टिफिकेशन दे नहीं पा रहे, अब क्या किया जाए? भाई घर से जादू निकालो, इन गुंडों बदमाशों को जो घर में बैठे हैं, इनका, इनको यहाँ से निकालने के बाद जो घर में जादू का करंट आ रहा है, तार आ रहा है, और यहाँ पर जो असरात और गंदगी ये डाल चुके हैं, इन सब को निकालो, जो आप खा चुके हैं, जिससे बीमार हैं, उन सब से पाक हो जाओ, इंशाल्लाह घर पाक हो जाएगा, फिर ये सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसके लिए अगर आप वज़ाइफ़ पढ़ चुके हैं तो फिर तो भाई किसी माहिर मालिक से राबता कर लो,
और रابطہ करके इन सारे मामलों को दुरुस्त कर लो। हम बतौर मुआलिज अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 20-22-23 साल से क्या कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं, इलाज के साथ साथ आपको हिसार और सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, आपको इतना मजबूत कर रहे हैं कि आप, आपका घराना, आपका रोज़गार, आपका कारोबार, आपके बाल बच्चे इतने मजबूत हो जाएं कि कोई आपके ख़िलाफ़ कोशिश करे कामयाब ना हो, कोई आपके ख़िलाफ़ पत्थर उठाए आपको तकलीफ़ ना पहुंचा सके, कोई आपके ख़िलाफ़ कदम उठाए उसका ये कदम अमली कदम बनने के बावजूद आपका बाल बेकार ना कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का कायल हूँ, ये सिखाता हूँ ताकि आप न सिर्फ मेरा रेफरेंस बने बल्कि पूरी दुनिया में आप ये कहने पर मजबूर हों कि अगर यूट्यूब पर कोई आदमी है तो वो इलाज, हिसार, दुश्मन से बचाओ, तहफ़ुज़, दिफा और बहनों बेटियों की शादियां और कारोबार, रोज़गार सारे मामलात को सिखाता है, बताता है, पैरों पर खड़ा करता है और आइंदा के लिए आपको कहीं किसी और रास्ते, किसी और फ़र्द के साथ आते की ज़रूरत नहीं रहती। एक बात, अगर आप समझते हैं कि आपसे नहीं हो रहा तो आप हमसे रابطہ करें, लेकिन अगर आप ख़ुद करना चाहते हैं और जादू को निकालना चाहते हैं, इस नहुसत और लानत से जान छुड़ाना चाहते हैं और इस लानत का तौक जो गले में है, जो हमारे लिए हर कदम पर हमारे एक सोने को मट्टी बना रहा है और हमारा हर कदम गीली जगह पर पड़वा रहा है, इसके लिए मैं वजीफ़ा अर्ज़ कर रहा हूँ, गूगल, हरमल, लुबान कोड़िया, नमक, चीनी, तेल, पानी, इन सब पर दम करें, ये खाने पीने की चीज़ों को खाने पीने में इस्तेमाल करें, चाय दूध में इस्तेमाल करें और सब लोग करें, और तेल को मालिश करें। अगर नफसियाती मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं, सर दर्द का शिकार है, जिस्म के दर्दों का शिकार है, तो ये तेल वहाँ इस्तेमाल हो और साथ ही इस अमल पर, ये इस सारे अमल को 41 दफ़ा पढ़ के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक, हरमल, लुबान और गूगल पर दम करके पूरे घर में धुनी दें, इंशाल्लाह घर से जादू निकलेगा। इस अमल को मिनिमम 11 दिन वरना 21 दिन करें, इंशाल्लाह 21 दिन से ज़्यादा की नौबत नहीं आएगी। तो चलते हैं हम वज़ाइफ़ की तरफ, चलते हैं हम पढ़ाई की तरफ। पढ़ाई क्या है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। ये दोनों, ये तीनों चीज़ें मिला के पढ़ी, एक दफ़ा हो गया, 41 दफ़ा पढ़ के दम कर दें, इंशाल्लाह इस अमल को दोहराएं, अल्लाह पाक करम फरमाएगा, मामलात को दुरुस्त फरमाएगा। किसी भी किस्म की मशावरत और कंसल्टेंसी और इलाज के हवाले से आप हमसे रुजू फरमा सकते हैं।